खबर मोहम्मदाबाद गोना मऊ से है, जहां मशहूर चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने आज टीवी के गोंद लिए मरीजों को कंबल वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हमेशा मरीजों की मदद करते रहेंगे, सेवा देना ही हमारा उद्देश्य है। हम चिकित्सक का उद्देश्य सिर्फ मरीजों का इलाज करना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल और मदद करना भी जरूरी है। आज हम जरूरतमंद लोगों को सर्दियों के मौसम में कंबल दे रहे हैं ताकि वो ठंड से बचे, क्योंकि ठंड में टीबी के मरीजों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए हम आज नहीं हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। डॉक्टर संतोष यादव ने कहा कि हमारा संदेश सभी के लिए है, जो लोग अपने आसपास गरीब रहते हैं उनकी हमेशा मदद करें, चाहे कुछ भी हो हमें अपने लोगों की मदद करना चाहिए। ये देखिए, वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है और इसमें तो हमने 10 लोगों को कंबल वितरण किया, जिसमें 5 मरीज जो है टीबी ग्रसित है। और देखा, ऐसा पाया जाता है कि टीबी के मरीज ज्यादातर गरीब ही होते हैं, तो और बाकी वृद्ध जन है। तो जरूरतमंदों को हमारी तरफ से 10 लोगों को कंबल वितरण किया गया है। इस प्रकार की ये जो है एक सेवा भाव उत्पन्न हुआ अंदर, तो हमने ये चीज इन लोगों को प्रोवाइड किया। सर, क्या उद्देश्य है कंबल बांटने का? ये तो एक सेवा भाव ही है और ठंड का मौसम है ही है, तो 10 लोगों को कंबल वितरण किया, जिसमें 10 लोगों को दिया गया, जिसमें 5 जो हमारे टीबी के मरीज हैं, इनकी दवा चल रही है डॉट्स के अंतर्गत। और हम इससे पहले भी हम टीबी मरीजों को गोद लेते रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सोचा जाना क्यों नहीं है, नया साल भी है, ये पुनित कार्य कर लिया जाए पुनः। सर, इसमें ज्यादातर संख्या मतलब वृद्ध लोग होगी सर, इसमें मतलब कुछ ऐसा था क्या? वृद्ध लोगों को ज्यादा ठंड लगती है ना जी, और ज्यादातर कमजोर वर्ग के लोग हैं जी, तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। कहा भी गया कि सर कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर लोगों को, सक्षम लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।